नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज हम अपनी मैथ सीरीज का लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। मैं आपको आज एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 3:1। 4 years अर्लियर द रेशियो ऑफ वॉज 4:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ए एंड बी दो व्यक्ति हैं जो उनकी प्रेजेंट एज है, यानी अभी की जो एज है उसका जो रेशियो है वो है 3:1, और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका रेशियो है 4:1। तो पूछ रहा है जो ए है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, यानी अभी उसकी एज क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या इसमें मानना है, दो व्यक्ति हैं, एक है आपका ए और एक है बी। तो इनकी जो एज होगी वो क्या होगी, एक है ए और एक है बी। तो इनकी जो एज है प्रेजेंट में उसका रेशियो क्या दिया है, 3:1। तो इसका मतलब ये 3 का कुछ मल्टीपल होगा, यानी 3x, और यहाँ 1 है 1, तो 1x। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, 3:1 उनकी एज का रेशियो दे रखा है। एज हमें नहीं दे रखी, ये रेशियो है। मान लीजिए ए की एज 15 है और जो बी है उसकी एज है 5, तो ये 5 से कट रहे हैं 3 और 1, तो 3:1। तो ये तब आपको रेशियो ऐसे आता है, ठीक है। तो अभी ये हमने माना है, हमें एज पता नहीं है, तो 3x:1, ठीक है। तो x तो काट भी सकते हो आप, x की कोई वो नहीं है, x तो दोनों में कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, कि x की वैल्यू क्या है, उससे हमें पता लग जाएगा ए की एज क्या है। तो पहले हम देखते हैं जो इसमें प्रेजेंट एज है उनका जो रेशियो दे रखा है वो है 3x/1x, ठीक है। ये रेशियो है, x से x कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 3:1 इनकी एज का जो रेशियो है प्रेजेंट में दे रखा है। बोल रहा है 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका जो रेशियो है वो है 4:1। तो इस क्वेश्चन में लिखा 4 years अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर आफ्टर लिखा होता कि 4 साल बाद, तो आपको प्लस करना है। तो इसमें बोल रहा है 4 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो था 4:1। तो क्या कितना था, 4:1, 4:1, ठीक है। तो कितने साल पहले, 4 साल पहले। तो अर्लियर का मतलब माइनस करना है, तो जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें से आपको 4 माइनस करना है, यानी 4 years माइनस करना है। क्योंकि ए की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x और बी की है 1x, या 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो उसमें से प्रेजेंट एज में से हमने 4 साल माइनस किए, तो जो रेशियो आता है वो है 4:1। इसमें बोला 4 साल पहले का जो रेशियो है वो है 4:1। बस एक सिंपल से आपके पास इक्वेशन आ गई है, अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 से आप 3x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। अब 4 से इंटू करना है आपको x-4 को, तो 4 × x कितना हुआ, 4x, माइनस का साइन यहीं पर रहेगा, और 4 × 4 हो गया 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x को हम उस साइड ले जाते हैं, 4x-3x, यहाँ माइनस का 4 है, माइनस 16 है, दूसरे साइड जाएगा इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 16 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x 4x में से 3x किया तो आपका आएगा x, और 16 में से 4 किया तो आपका आंसर आएगा 12। तो x की वैल्यू है 12। तो मैंने आपको बोला था x की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 12 है, तो 3x जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी थी, 3x, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 36। तो जो 36 है वो ए की एज है, प्रेजेंट एज है 36। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको एज दे रखी है उनकी प्रेजेंट की, तो रेशियो तो दे रखा था आपको, तो आपको 3x/x लेना था, x तो कट जाएगा क्योंकि x के हमें पता नहीं क्या वैल्यू है। फिर 3x/x लिया, इसने बोला 4 साल पहले उनका जो रेशियो था 4:1, तो हमने -4 किया दोनों साइड ऊपर नीचे, और इक्वल टू 4:1 लिख दिया, ठीक है, 4:1 लिख दिया। ये इक्वेशन आई, इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है, और 3x उसकी प्रेजेंट एज थी, 3 × 12 कितना हुआ, 36, तो प्रेजेंट एज आ गई 36। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ए एंड बी की जो प्रेजेंट एज है वो हमें उसका रेशियो दिया था 3:1, तो हमें पता लग गया कि ए की जो एज होगी वो 3 की मल्टीपल में होगी, ठीक है, 3 की मल्टीपल में होगी, यानी 3 गुना कुछ भी होगी, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 3 की टेबल में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 32 3 की टेबल में नहीं आता,
34 भी 3 की टेबल में नहीं आता, 36 3 की टेबल में आता है, 3 12 36। 38 12 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है, 38 भी नहीं आता 3 की टेबल में, 34 भी नहीं आता, 32 भी नहीं आता, ओनली जो आपका ऑप्शन आता है वो है 36। तो बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस आपने परसेंटेज का रेशियो देखना, 3:1 दिया है, किसकी पूछ रहा है, ए की पूछ रहा है, तो ए का 3 दिया था, 3 का मल्टीपल होना चाहिए जो आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर 36 ही आपका मल्टीपल था, तो आंसर है 36। तो ट्रिक से आप बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंटली इन द रेशियो ऑफ 3:5, 9 years ago दिस रेशियो विल बिकम 12:23, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, ए और बी है जो उनकी प्रेजेंट में एज है, यानी अभी जो उनकी एज है उसका रेशियो है 3:5, और 9 years ago, एगो का मतलब पहले, 9 साल पहले जो उनकी एज थी उसका रेशियो था 12:23। वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी ए की जो अभी की एज है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इनकी जो एज है 3x और 5x, तो 3x और 5x इनकी एज है, x की वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 3:5 दिया है, तो ये रेशियो दिया है, एज उनकी बताई नहीं है, उनका रेशियो है, ठीक है, तो 3x और 5x उनकी एज है जो प्रेजेंट में एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है इनकी, तो 3x बाय 5x। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 years ago, यानी 9 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो था 12:23, तो हमने सिंपली क्या करना है, 9 माइनस करना है, उनकी प्रेजेंट एज में से 9 माइनस करना है, ये उनकी प्रेजेंट एज थी 3x और 5x, इसमें से हमने 9 साल यानी 9 माइनस किया, तो जो उनका रेशियो आता है वो आता है 12:23, जो एज का रेशियो आता है वो आता है 12:23। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करना है, तो 3 से इंटू करेंगे x की वैल्यू को, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो लॉन्ग मेथड था, वही हम अपनी सिंपल ट्रिक देखेंगे जो हमारी ट्रिक थी। चलिए ट्रिक देखते हैं, a और b की जो प्रेजेंट में एज है उसका रेशियो है 3:5, तो मतलब जो a की जो एज होगी प्रेजेंट में, यानी अभी एज होगी, वो 3 की मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है, तो 27 3 की मल्टीपल है, 3 की टेबल में 27 आती है, आता है तो आता है, हाँ 27 आता है, 3 9 27 होता है, ठीक है, 33 3 की टेबल में 33 आता है, हाँ आता है, 3 11 33 होता है, चलो 49 3 की टेबल में नहीं आता, 55 भी 3 की टेबल में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, 27 और 33, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो ए की एज 27 भी होती है, हो सकती है, और 33 भी हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने आँख बंद करके तुक्का लगा देना है, क्योंकि इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर होगा, ठीक है, या तो 27 हो सकता है या तो 33, तो तुक्का लगा के आप आंसर आ जाएगा आपका, या तो गलत भी आ जाएगा सही, मतलब 50-50 चांस है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, मैं मजाक कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, हमारे या तो 27 एज होगी या तो 33 होगी, ठीक है, ए की जो प्रेजेंट एज होगी वो इन दोनों में से एक होगी। चलिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गया है, 9 years ago, यानी 9 साल पहले जो उनकी एज का रेशियो था वो था 12:23, तो 27 या 33 इन दोनों में से कोई एज हो सकती है प्रेजेंट में, ठीक है, तो 9 को माइनस करते हैं, 9 years ago बोला था, 9 साल पहले जो उनका रेशियो था वो था 12:23, ठीक है, तो 27 में से 9 को माइनस करें, ये आ गया आपका 18, और 33 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24, तो जो 18 और 24 आए हैं ये इनकी जो एज, ए की जो एज है वो 9 साल पहले की ये एज हो सकती है, 18 या 24। अब हम देखेंगे जो रेशियो था वो था 12 देर का था, हमें जो ए और बी का रेशियो था 9 साल पहले का वो था 12:23, तो ए की एज 9 साल पहले 12 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है, तो अभी की प्रेजेंट एज से 9 साल पहले जो एज होगी वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 18 और 24 में से 12 का मल्टीपल कौन है, 18 12 की टेबल में नहीं आता, मगर 24 12 की टेबल में आता है, 12 2 24, तो यही आपका आंसर होगा, यानी 33, तो जो 33 है यही आपका आंसर है, ए की प्रेजेंट एज है 33, तो इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी पड़ी आपको।
थ्री का मल्टीपल हमने देखा कौन था, ए की एज हमें प्रेजेंट पूछी थी, तो ए और बी का रेशियो था 3:5। थ्री का मल्टीपल देखा हमने कौन था, 27 और 33। हमें पता लगा कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये थ्री के मल्टीपल थे। फिर हमने देखा आगे क्वेश्चन लिखा है, 9 साल पहले जो ए और बी का रेशियो था वो था 12:23। तो हमने 27 और 33 इन दोनों में से 9 को माइनस कर दिया, 9 साल पहले बोला था तो हमारा आया 18 और 24। तो इन दोनों में से कोई हो सकता था 9 साल पहले जो उसकी एज थी। तो हमने देखा जो रेशियो था वो दिया था 12:23, यानी ए की जो एज होगी वो 12 का मल्टीपल होनी चाहिए 9 साल पहले भी। तो यहाँ 18 और 24 आया, तो 24 12 का मल्टीपल है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 33। ए की जो प्रेजेंट एज है वो है 33 और 9 साल पहले 24 थी, मगर प्रेजेंट पूछी थी तो हमारा आंसर होगा 33। तो ये भी सिंपल ही था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश टोल्ड हिज ग्रैंड डॉटर प्रिया दैट 5 years अर्लियर he was 7 times as old as she was. After 15 years, he will be thrice as old as she will be. Find the sum of their present ages. तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? मुकेश की एक ग्रैंड डॉटर होती है प्रिया। तो मुकेश प्रिया से कहता है कि 5 साल पहले, 5 years earlier, यानी 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो प्रिया की एज की 7 गुना थी। 7 times बोला है तो 7 गुना थी। और आफ्टर 15 years, यानी अभी से 15 साल बाद जो उसकी एज है वो प्रिया की एज की 3 गुना हो जाती है। थ्राइस एज ओल्ड शी विल बी, यानी 3 गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है जो उन दोनों की प्रेजेंट एज है, यानी अभी जो उनकी एज है, उन दोनों का सम क्या है। तो उनकी एजेस का सम क्या है, यानी उन्हें ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा, ट्रिक नहीं है। तभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तब भी आप मिनट में आंसर निकाल देंगे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्रिक नहीं लगेगी इसमें, कॉन्सेप्ट ही लगेगा। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताया था। सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मुकेश है, हमें पता है एक मुकेश दे रखा है, एक प्रिया दे रखी है। तो हम मान लेंगे मुकेश की एज x मान लेते हैं और प्रिया की y मान लेते हैं। ठीक है, मुकेश की x है और प्रिया की y है। बोल रहा है 5 years अर्लियर, 5 years अर्लियर यानी 5 साल पहले। तो उनकी प्रेजेंट एज में से हम 5 को माइनस कर देते हैं, ये उनकी 5 साल पहले की एज है। ठीक है, जो मुकेश की एज थी वो 7 गुना हो जाती है प्रिया की एज की। ठीक है, 5 साल पहले, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू साइन डाल के 7 यहाँ लिख दीजिए। जो मुकेश की 5 साल पहले की एज की है वो कितनी है, x माइनस 5, और जो प्रिया है उसकी 5 साल पहले की एज है y माइनस 5, और वो 7 गुना हो जाती है। यानी मुकेश की जो एज है वो प्रिया की एज की 7 गुना है, तो इक्वल टू का साइन तब आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने x और y आपको दिए है, मुकेश और प्रिया की एज, ये अभी प्रेजेंट की एज है। ठीक है, प्रेजेंट की एज ही क्योंकि हमें निकालनी है। तो 5 साल पहले बोला था, 5 माइनस किया तो 5 साल पहले की एज आ गई। बोला मुकेश की एज प्रिया की एज की 7 गुना हो जाती है, तो हमने 7 को प्रिया के साथ, जो प्रिया की 5 साल की एज थी वहाँ लिख दिया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम दूसरी बनाएंगे, आफ्टर 15 ईयर। तो आफ्टर 15 मतलब प्लस करना पड़ेगा, तो मुकेश की एक्स थी और प्रिया की वाई है, तो 15 प्लस कर दीजिए। जो उनकी 15 साल पहले बाद की एज होगी वो कितनी होगी, एक्स प्लस 15 और वाई प्लस 15। बोल रहा है मुकेश की जो एज होगी वो 3 गुना हो जाएगी प्रिया के, तो इक्वल टू का साइन लाल के 3 यहाँ लिख दीजिए। मुकेश की एज 3 गुना हो जाएगी प्रिया की एज के। ठीक है, 15 साल बाद। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। बस अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। यहाँ क्या है, x माइनस 5 रहेगा, 7 × y कितना हुआ, 7y माइनस 7 × 5 कितना हुआ, 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं x यहाँ ले लेते हैं, 7y माइनस 35, ये माइनस 5 था, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ठीक है, माइनस 35 प्लस 5 था तो माइनस 30 बचेगा। दूसरी इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 15 ऐसे ही रहेगा, 3 × y 3y हो जाएगा, प्लस 3 × 15 ये हो जाएगा 45। अब ऐसे करते हैं x को इस साइड रहने देते हैं, 3y प्लस 45, ये प्लस 15 था, इक्वल टू को सेट जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 30, 45 में से 15 गया 30 बचा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, और x की यहाँ पर ये आ रही है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, x की जगह हम ये वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 7y माइनस 30 है इक्वल टू में, x की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं 3y प्लस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7y यहाँ है, 3y यहाँ है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 7y में से 3y गया कितना बचा, 4y, माइनस 30 है उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 30 था प्लस 30 और आ गया यहाँ से, तो ये 60 हो गया।
अब इसको काटते हैं, 4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे ये 4 है आपका, ये यहाँ नीचे चल जाएगा, तो 4 को हम काटेंगे ये आ जाएगा आपका 15, तो y की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू आपकी 15 आ गई है। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ पर डाल देते हैं, चलिए x, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड हो रहा है, यहाँ पर हार्ड तो नहीं है, मतलब चलो वही है, यहाँ डाल के देख लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा। x, y की जगह हम 15 डालते हैं, 3 × 15 कितना हुआ आपका, हो गया 45 + 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 + 30 कितना हुआ 75, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 75। जो y की हमने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर डाल दी हमने, ठीक है, तभी हमें x की वैल्यू पता लग गई है, तो 3 × y हो गया 3 × 15 हो गया 45 और प्लस 30 का 30 वहीं रहा, तो x की वैल्यू आ गई 75। अब हमें क्या बोला था, ये y की वैल्यू है, यानी प्रिया की जो एज है प्रेजेंट में वो है 15 और जो मुकेश है उसकी है 75। तो हमें क्वेश्चन पूछा था इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना होगा, तो 75 + 15 कितना हुआ, ये हो गया 90, तो 90 आपका आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90। तो इसमें क्या किया हमने, सिंपल इक्वेशन बनाई, ट्रिक इसमें लगनी नहीं थी, हमें इक्वेशन ही बनानी थी, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो हमने इक्वेशन कैसे बनाई, हमें माना कि मुकेश और प्रिया, मुकेश की एज एक्स मानी और प्रिया की वाई मान ली, ठीक है, फिर हमने -5 इसलिए किया क्योंकि 5 ईयर्स एगो बोला था, अर्लियर बोला था, तो 5 माइनस किया, और मुकेश की एज थी वो 7 गुना थी प्रिया की, तो 7 यहाँ पर लिखा। वैसे दूसरी क्वेश्चन कैसे बनाई, एक्स और वाई हमें पता था प्रेजेंट एज ये एक्स और वाई है इनकी, ये हमने मानी थी, और 15 साल बाद बोला तो +15 कर दिया हमने एज में, जो मुकेश की एज थी वो 3 गुना थी प्रिया की एज की। दो इक्वेशन बनाई, उन्हें सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू।